200 यूरो ताड़े भेजने जो पाकिस्तान ने इसके मुताबिक 35-36 हज़ार रुपया बनता है। अमानत है, यह तुम मैं देन आया वा। मेरा नाम उस्मान मिठा एक दफा फिर आपके शब्दों में याद आना है मिठी करनी है मिठे के साथ। दो दिन पहले मैंने बाबा जी के ऊपर एक प्रोग्राम किया था जो ये बाबा जी यहाँ पे बैठ के मसवाके भेजते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा गया है। बाहर से एक बंदे की मुझे कॉल आई, उसने मुझे कहा कि मैं इन बाबा जी की मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, आप बिल्कुल उनकी मदद करें। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजें, मैं बाबा जी को पैसे भेजना चाहता हूँ। मैंने उनको अपना अकाउंट नंबर भेजा, आज उन्होंने मुझे पैसे भेजे। उन्होंने बाबा जी के लिए 200 यूरो भेजे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जाके आपने बाबा जी को देने हैं, लेकिन उसमें मेरा नाम, मेरी वीडियो, मेरी कोई चीज़ मेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल पैसे निकलवा के आया हूँ, मैं बाबा जी के पास आया हूँ, अभी मैं उनको उनके जो उनकी अमानत है उनको सौंपूंगा। मुझे एक चीज़ का दुख है कि ये जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के नेशनल हीरो गुजरते हैं, उनकी कभी इन पर नज़र नहीं पड़ी। मदीना रियासत के दावेदार पता नहीं कहाँ पे हैं, लेकिन जो मदीना रियासत के लोग हैं ना, उनके दिल में बड़ा दर्द है। और वो पाकिस्तानी नहीं, जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उनके दिल में ज़्यादा दर्द है। मैं आपको आपके सामने बाबा जी को उनकी मानत देता हूँ, आ जाए मेरे साथ। बिल्कुल हम बाबा जी के पास पहुंच गए हैं। ये मेरे साथ हमारी टीम है, ये रेहान है जिन्होंने बाबा जी का प्रोग्राम पूरा एडिट किया था। ये हमारे मुस्तफा भाई हैं, ये हमें गाड़ियों पे लेके जाते हैं, और ये हमारे ऑफिस बॉय बकार, ये हमें सारा दिन चाय पिलाते हैं। इनको मैं इसलिए साथ लेके आया हूँ कि हम इनको भी, ये इनके दिल में भी बड़ा दर्द है। इन्होंने भी आपस में कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं कि भी हम बाबा जी को देना चाहते हैं। बाबा जी वो बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बेटा। बाबा जी मैं तड़े दो दिन पहले एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था जी सर, से बैठे जी सर, वो प्रोग्राम पूरी दुनिया च देखा गया जी सर। एक बंदा जेड़ा बाहर दे ममालिक है जी सर, उन्हें मैंने कहा है कि मेरा नाम नहीं लेना जी सर, मेरी तस्वीर नहीं लानी जी सर, लेकिन उन्हें तड़े से इमदाद भेजी है। आमीन आमीन। उन्हें इमदाद भेजी है 200 यूरो जी सर, और तकरीबन पाकिस्तानी को 36 हज़ार रुपया बनता जी सर। मैं तुम्हें दोबारा देन आया वहाँ, बहुत शुक्रिया उनका अदा करना। वो उस बच्चे की सिर्फ ऐसी किसी के बाबा जी ने कहना कि सिर्फ मेरी दुआ कर, इंशाल्लाह 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 अल्लाह की बरकत रब की दुआ ना इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। इंशाल्लाह की तरफ मैं खुसूसी दुआ करा, खुसूसी दुआ करा। बहुत शुक्रिया उस बेटे का, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी जिथे तुम बैठे हो इतने साढ़े पाकिस्तान के हीरो गुजरते हैं जी सर, उन्हों की कभी नज़र नहीं पड़ी तक जी सर, लेकिन एक पाकिस्तानी जो इतने का बच्चा है, पाकिस्तान का बेटा है, वो बाहर का मालिक बैठा जी, उन्हें एक वीडियो देख के दे दिल च इन्ना दर्द है जी जी। सारे सारे दर्द देगा, सारे अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह उन्हें हिम्मत की अमदाद दे, अल्लाह की दात उन्होंने ना तफीक देता मालिक आदि तरफ कड़े के बच्चे उन्होंने रहम पा, उनके कड़े के बच्चे रहम पाँगा भी जाए मेरा मालिक है जा दे। वो आप खुद ब खुद मालिक भेजता, किसी के वास्ते रोग नहीं है, किसी के आखे नहीं दे सकता, वो मालिक उन्होंने देता है, उनके दिल रहम आ जाता है, उनका दिल जो खसूसी हो जाता उस अल्लाह को राजी कर दो, मैं नहीं राजी कर, वो मैं नहीं राजी कर दे, वो अल्लाह को राजी कर दे, अल्लाह के हबीब को राजी कर दे। जी
अपने बच्चों का इलाज कराना है, अपना कारोबार मेरे रोजी का मसला सीधा हो गया। एक मेरी बेटी पैरत मजदूर है, वह भी सीधा हो गया काम। एक जेड़ा मेरा बेटा है मिर्गी वाला, उनका जरा थोड़ा जहा इलाज हों, बेटी का भी होंगे रहा, अब बेटे का भी होंगे रहा, तो जरा मेरे हालात ठीक होंगे जाते हैं। बस मैं तो पुत्र ये शुक्रिया अदा करना, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बाबा जी असं जो चैनल च काम कर रहे हैं ना, उन्होंने जो मालिक ने ना, वो आप इस चीज उत्ते बहुत उत्तों तक है, बड़िया ख्वाहिशात ने कि मैं जो गरीब लोग ने उन्होंने मदद करा, उन्होंने नाल लैके चलना। उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के नाल किया, वो इतने आ नहीं सके आसे, बट उन्होंने ना है, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे वालों सलाम कहना, उन्होंने मेरी कंट्रीब्यूशन कर दी है, उन्होंने अमानत मैं देना है, तुम अपनी अमानत कबूल करो। सिर्फ उस बच्चे वास्ते दो गल्लां कह दो जिन्हें तुम भेजे, वो बच्चे की पैगाम दोगे, पैगाम देना, उनका लख लख शुक्रिया अदा करना बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना, अल्लाह उनका कबूल करे, अल्लाह उनका दिता खरैत जी वो अल्लाह ने पसंद लगे, अल्लाह को खसूसी मामला उनका सीधा हो जाए, अल्लाह उनके घर के बरकत आदि उनके ईमान देवे घर के, बहुत 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 अल्लाह तेन ईमान दे, अल्लाह मेरे पुत्र महफूज रखे, माँ प्यो के वफादार बने, अल्लाह तेन माँ प्यो की हिम्मत देवे, अल्लाह तेन ईमान दे। बहुत बिल्कुल, मैंने इनकी जो अमानत थी वो इन तक पहुंचा दी है, और मेरा मैसेज फिर इन्हीं के बेटों को है कि जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा है हयात है, प्लीज उनको तनहा ना छोड़े। मेरे वालदैन नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि कहीं मेरे वालदैन होते और मुझे देखते कि मैं किस तरह लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ और उनकी अमानतें उन तक कैसे पहुँचा रहा हूँ। हमारे जो चैनल के मालिक हैं वो भी इसी चीज़ को तरजीह देते हैं, उन्होंने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। मैं आसिफ भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें इस चीज़ का मौका दिया है कि हम यहाँ पर बैठ के बोल सकें। हम वो हैं जिन्होंने 15-16 साल काम कैमरे के पीछे किया, अब कैमरे के आगे कर रहे हैं, और बड़े दिल को खुशी होती है कि इन जैसे बंदों के साथ हम मिलके इधर बैठ के, मुझे तो बहुत खुशी हुई यार, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई कि जब उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पैसे भिजवा दिए हैं आपने उनको देने हैं। मैंने तकरीबन रात के 3 बजे अपने एक सीनियर कैमरामैन हमारे आसिम भाई, मैंने उन्हें फ़ोन किया कि इस तरह मुझे पैसे आए हैं, उन तक पैसे पहुँचाने, उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल सुबह मैं आऊँगा, हम इकट्ठे चलेंगे। मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, मैंने इनकी मदद करवाई है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।